हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। भाई, अभी हम चेन्नई में हैं और आज की हमारी प्लानिंग है महाबलीपुरम जाने की। तो अब जल्दी से नहाकर ब्रेकफास्ट करते हैं और महाबलीपुरम के लिए निकलते हैं। One hour later. भाई, होटल बुकिंग में हमारी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड थी, तो इन्होंने हमें 2 पूरी, 1 वड़ा और सांभर दिए हैं। भाई, ब्रेकफास्ट भी हो चुकी है और हमारी कैब भी आ चुकी है, तो अब निकलते हैं महाबलीपुरम के लिए। तो भाई, फाइनली अब हम महाबलीपुरम आ चुके हैं। महाबलीपुरम चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ घूमने के लिए एंट्री टिकट लग रही है, जो कि यहाँ से QR कोड स्कैन करके हमें मिलेगा। पंचरथ के 5 स्मारकों को पूरी तरीके से रथ के समान बनाया गया है, जो सभी ग्रेनाइट पत्थर को खोद खोद कर बनाए गए हैं। इसमें महाभारत की कहानी को दर्शाते हुए कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। पत्थर करीब 1200 साल पुराना है। इस पत्थर की ऊंचाई 20 फीट और चौड़ाई 5 फीट है, लेकिन ये पत्थर जिस तरह से अपनी जगह पर टिका है, वो इसे अनोखा बनाता है। इस पत्थर को लोग श्री कृष्ण का बटर बॉल भी बोलते हैं। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. सोर मंदिर पल्लव वास्तुकला का एक खूबसूरत नमूना है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। इस उत्कृष्ट मंदिर को सोर टेंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के निकट ही स्थित है। महाबलीपुरम के सोर मंदिर में भगवान विष्णु और शिव विराजमान है। तो भाई, रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग चेन्नई होटल पहुंच चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।